दोस्तों, शुक्रवार का दिन माता अष्टलक्ष्मी का दिन माना जाता है। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी का दिन माना जाता है और शुक्रवार का दिन वैभव के कारक ग्रह शुक्राचार का दिन माना जाता है। जिन पर शुक्र ग्रह की कृपा बरसने लगे, ऐसे रंग से रंग के व्यक्ति को भी राजा बनते देर नहीं लगती है। तो आज के वीडियो में जानेंगे शुक्रवार के दिन किए जाने वाले उपाय और जानेंगे माँ लक्ष्मी और शुक्र को प्रसन्न करने के तरीके, जिससे आप भी लाखों करोड़ों में खेलने लगेंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हमें शुक्रवार के दिन क्या करना चाहिए। शुक्रवार के दिन हमें चीनी का दान करना चाहिए, इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्र के मजबूत होने से कभी धन का अभाव नहीं होता है। शुक्र जब मजबूत होता है तो धन दौलत, सुख समृद्धि, ऐसो आराम सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इस दिन किसी गरीब को चावल का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। हो सके तो इस दिन दूध से बनी चीज़ों का भी दान करें, इससे कुंडली में धन योग बनता है। धन योग बनने से गरीब व्यक्ति को भी धनवान बनते देर नहीं लगती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन माता लक्ष्मी को अपराजिता का फूल चढ़ाएं। तत्काल इच्छा पूर्ति करने के लिए माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र चढ़ाएं और किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार का सामान भेंट करें। अगर आप माँ लक्ष्मी को सिद्ध करना चाहते हैं तो गौ माता की पूंछ के शुरुआती हिस्से के 5 या 7 बाल चांदी की ताबीज में भरकर शुक्रवार के दिन पहन लें। इससे माता लक्ष्मी स्वतः ही सिद्ध हो जाती हैं और जीवन में धन का अभाव नहीं होता है। शुक्र को मजबूत करने के लिए इस दिन ओपल रत्न धारण करना चाहिए। इस रत्न को धारण करने से धन का आगमन बढ़ने लगता है, पैसों की कभी कमी नहीं होती है और पारिवारिक कलह भी समाप्त हो जाता है। अब जानते हैं दोस्तों कि शुक्रवार के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो इस दिन किसी को कर्ज या उधार नहीं देना चाहिए। इस दिन घर में शीशा खरीदकर नहीं लाना चाहिए, इससे घर में गरीबी आती है। इस दिन किसी भी प्रकार की नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, साथ ही खट्टी चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं। अगर आप मेहनत करके थक चुके हैं, लक्ष्मी हाथ नहीं आ रही है, भाग्य एकदम से साथ देना बंद कर चुका है, परिवार के लोग भी आपसे नाराज रहते हैं क्योंकि आप कुछ कमाते नहीं हैं, नौकरी व्यवसाय सब कुछ खत्म हो चुका है, तो आज जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ उसे तुरंत ही ज़रूर कर लेना, रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। मैं आपको ऐसी 2 चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें अगर आप पड़ोसी के घर से चुरा लाते हैं तो उनके भाग्य में जितना भी धन दौलत लिखा है सारी धन दौलत आपके किस्मत में आ जाएगी। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन उतने हिस्से का धन प्राप्त नहीं हो पाता है और हम मजबूर हो जाते हैं। तो ज्योतिष में कुछ ऐसे सरल उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं। दोस्तों, गरीबी मिटाने के लिए जो मैं 2 चीज़ें पड़ोसी के घर से चुराने को बता रही हूँ उसमें
किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इससे उस पड़ोसी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस आपको अपने जीवन में ये प्रयोग सिर्फ एक बार ही करना है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी हैं वो चीज़ें। दोस्तों, पहली चीज़ है शक्कर। शक्कर में देवी सरस्वती, माँ लक्ष्मी और दैत्य गुरु शुक्राचार्य का प्रभाव होता है। तो आपको अपने पड़ोसी के घर से थोड़ी सी मात्रा में शक्कर चुरा लेनी है। फिर इस शक्कर को आपको अपने घर के आंगन की मिट्टी में दबा देनी है। दोस्तों, जैसे जैसे चींटियाँ इस शक्कर को मिट्टी से निकालकर खोद खोद कर खाएंगी, वैसे वैसे आपके घर में धन दौलत आने लगेगी। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। बस आपको ये प्रयोग किसी भी शुक्रवार के दिन करना है। दूसरी चीज़ है दोस्तों झाड़ू। झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यदि आप ज़्यादा धनवान बनना चाहते हैं तो आप अपने पड़ोसी के घर से झाड़ू चुरा कर ले आना और इसे अपने घर की पूर्व और उत्तर दिशा के कोने में छुपा कर रख देना। इस उपाय से भी पड़ोसी के हिस्से का धन आपके भाग्य में आपके घर में आने लगेगा। आपकी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता का भी नाश हो जाएगा और घर में सदैव के लिए सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होगा। तो दोस्तों, आप ये उपाय जरूर करें। आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी। पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी। नोटों की गड्डियाँ खुद आपके घर में चलकर आएंगी। जो दिव्य शक्ति हमें धनवान बनने में, जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है, वो माता महालक्ष्मी की शक्ति होती है। माता महालक्ष्मी जिन पर प्रसन्न हो जाती हैं, उनका पूरा घर अन्न धन से भर देती हैं। ऐसा व्यक्ति रातों रात धनवान बन जाता है। इसके लिए शुक्रवार का दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता महालक्ष्मी को समर्पित होता है। धन प्राप्ति के लिए शुक्रवार के दिन से शुरू करके 21 दिनों तक लगातार प्रतिदिन लगभग एक गिलास दूध में चीनी मिलाकर अगर पीपल की जड़ में डाला जाए, और ये दूध गाय का शुद्ध दूध होना चाहिए, तो इससे 21 दिनों के भीतर अचानक से धन की प्राप्ति होती है। ये धन आपको लॉटरी सट्टा के माध्यम से, व्यापार में किसी बड़ी डील के माध्यम से, या फिर नौकरी में प्रमोशन या इंक्रीमेंट के माध्यम से, या फिर पैतृक संपत्ति के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। शुक्रवार के दिन किसी सुहागिन महिला को लाल रंग का कोई कपड़ा जैसे कि साड़ी या सूट आदि दान करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे जीवन में चल रही धन संबंधी परेशानियों को दूर कर देती हैं। शुक्रवार के दिन पीपल के वृक्ष पर दो जोड़ी लाल चूड़ी बांधने से माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी कदम कदम पर हमारा साथ देती हैं। हम जिस भी काम को हाथ में लेते हैं उसमें सफलता और धन लाभ होता है और नौकरी व्यवसाय में तरक्की होती है, धन का आगमन बढ़ने लगता है। शुक्रवार के दिन स्फटिक का श्रीयंत्र घर में लाकर स्थापित करना चाहिए और प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। घर में धन की बढ़ोतरी होती है और पूरे घर को माता लक्ष्मी अन्न धन से भर देती हैं। ऐसे घरों में 7 पीढ़ियों तक तिजोरी कभी खाली नहीं होती है। शुक्रवार के दिन एक काच्ची नारियल लाकर घर में रखना चाहिए। सामान्य नारियल में 3 आँखें होती हैं, पर जिसमें सिर्फ एक आँख हो उसे एकाच्छी नारियल कहते हैं।
ऐसा नारियल मुश्किल से मिलता है और इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो अगर आपको ये नारियल मिल जाए तो शुक्रवार के दिन इसे आप अपने पूजा घर में स्थापित करें और प्रतिदिन इसकी पूजा करें। इससे माता लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं और घर में धन का आगमन तेजी से बढ़ने लगता है और घर में रहने वाला हर व्यक्ति धनवान हो जाता है। दोस्तों, शुक्रवार के दिन ये उपाय करके आप माता महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। माता महालक्ष्मी की कृपा से आपकी किस्मत बिल्कुल ही बदल जाएगी और आप निश्चित ही धनवान बन जाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।